Assalamualaikum everyone, myself Sayyed Ahsan Chuki, I hope that you all are well fine. आपको जिस तरह पता है कि मेरा YouTube चैनल है और मैं इसके ऊपर काम करता रहूँगा. इस YouTube चैनल पे आपको हर किस्म की वीडियोस मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन टाइप भी, एंटरटेनमेंट टाइप भी. इसके बरक्स दूसरी जो वीडियोस वगैरह हैं वो भी मैं शेयर करता रहूँगा, जिसमें आपके इल्म में इजाफा होता रहे, आपको मज़ीद नॉलेज मिलता रहे. तो इस YouTube चैनल पे आपको मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहेंगी, जो कि इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियोज़ होंगी, एंटरटेनमेंट टाइप, जॉयफुल वीडियोज़ भी आएंगी, फ्रूटफुल वीडियोज़ भी आएंगी. तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है स्कूल मैनेजमेंट एंड स्कूल एजुकेशन नेटवर्क के ऊपर. स्कूल मैंने नाम बोल दिया, इसके बरक्स मैं इसको ये लूँगा कि एजुकेशन नेटवर्क या एजुकेशन मैनेजमेंट के ऊपर. अब डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कब वो एक अपने लेवल अप इंक्रीज़ करती हैं, लेवल अप करती हैं, किस वक्त करती हैं, वो उस वक्त लेवल उनका अप होता है जब उनकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होती है. आपके स्कूल, आपका अदारा, आपका यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई भी चीज़ है, उसकी अगर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपका वो ऑटोमेटिकली जो स्कूल है वो अपग्रेड होता रहेगा, यूनिवर्सिटी अपग्रेड होती रहेगी, कॉलेज अपग्रेड होता रहेगा. इसमें एक दो चीज़ें आती हैं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जी, डेमो, इंटरव्यू. आप मुझे ये बताएं कि क्या एक डेमो जो 15 से 20 मिनट या आधा घंटे का एक डेमो, क्या टीचर की वो पूरे साल की काबिलियत को प्रीव्यू कर रहा होता है? क्या वो उसके ऊपर टीचर की पूरी साल की कारकर्दगी मैटर करती है? आप उसको ओके कर सकती हैं क्या? जो एक टीचर ने डेमो दे दिया 15-20 मिनट, आप उसको कहें जी कि ये टीचर जो है ये पूरा साल बच्चों को आगे लेके चलेगा? इसमें कुछ चीज़ें आती हैं. एक चीज़ जो सबसे पहले आती है वो ये आती है कि आपने जिस तरह टीचर का एक बार डेमो लिया, कई इंस्टीट्यूट जो करते हैं वो बैक टू बैक डेमोस लेते हैं, 15 दिन बाद, एक माह बाद वो डेमो लेते रहते हैं. उसके बाद कुछ अदारे जो हैं वो प्लानिंग एक होती है उनकी, जो उनका स्केड्यूल बना होता है, जिस हिसाब से उन्होंने डिफरेंट अपने जो क्लासेज हैं उनको डील करना होता है, कोर्सेज़ के लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से वो डील करते हैं, उसके ऊपर आपने फोकस करके फिर उसको आगे मज़ीद आप उसको परफॉर्म करते हैं. टीचर्स जो है वो बच्चों से फिर काम लेते हैं और आगे फर्दर इसके ऊपर वर्क होता है. देन अब आके जो नया नेटवर्क एक आया है, एक अच्छी चीज़ आई है जो मेरे ख्याल से, कि वो बच्चों से गाइडेंस लेना शुरू कर दिया. पहले अमूमन ये होता था जब मैं भी पढ़ता था, क्योंकि मेरा भी इस फील्ड के साथ ताल्लुक़ है, एजुकेशन की, टीचिंग की. तो अब ये चीज़ आई है कि अब टीचर से के बारे में बच्चों से भी पूछा जाता है, वो भी ब्रीफली. अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्वेश्चनियर तैयार कर लिया है, यानी कि उन्होंने एक प्रॉपर एक नोट्स टाइप बना लिया है. कई जो है उन्होंने अपने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशंस बना ली हैं, कई जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने वेबसाइट्स बना ली हैं कि जिसमें वो MCQs टाइप क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से, टीचर के हवाले से, उनके कोर्स के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से, उनका इंटरेस्ट कितना है टीचर के लिहाज से, टीचर कितना पास आउट कर रहे हैं, कितना परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है अब वो किसके ऊपर आ गया, स्टूडेंट. अब स्टूडेंट भी टीचर को उतनी नंबरिंग देता है कि जिस हिसाब से वो फिर परसेंटेज बनती है और नेक्स्ट ईयर के लिए टीचर को सिलेक्ट किया जाता है, उसको आगे मज़ीद काम करने के लिए कहा जाता है या फिर उसको टीचर को रोका जाता है. तो इस सिलसिले में मैं पिछले दिनों देख रहा था, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी UAF से है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने भी एक छोटा सा LMS बनाया है, जिसको वो तो उनका चल रहा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम UAF का LMS. उसके बरक्स उन्होंने QEC के नाम से एक उन्होंने अपना प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने डिफरेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कोर्सेज टीचर के लिहाज से, टीचर की एवेल्यूएशन करनी होती है, टीचर को बताते हैं वो जो पूरा का पूरा एक किताबचा, एक कह लें कि एग्ज़ाम तरह का वो पेपर बना होता है, जिसमें डिफरेंट MCQs आते हैं टीचर के हवाले से, कोर्स के हवाले से, फिर उस हिसाब से टीचर की नंबरिंग होगी ऑल ओवर, फिर परसेंटेज काउंट करने के बाद 70% से अगर स्टूडेंट के लिहाज से टीचर की वैल्यू कम निकलती है तो वो टीचर को फिर नेक्स्ट काम करने से रोका जाता है, और उसके बरक्स अगर वो 70% से अप जाता है फिर उसके उतने ही चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी उसको वो कोर्स दिया जाए. ये ज़्यादातर जो होता है जो ट्रेनी टीचर्स हम कह लें कॉन्ट्रैक्ट पे जो आते हैं, या हम कह लें कि विजिटिंग लेक्चरर्स होते हैं, उनके लिए ये सिस्टम किया है. तो अब इसकी मज़ीद वीडियो डिटेल में अब मैं आपको बताऊँगा, वो अपना खोल के सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं एप्लीकेशन खोलने के बाद, और आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से जो एग्रियन है या UAF से जिनका ताल्लुक है वो उसको आगे पास आउट कर सकती हैं और मज़ीद उसके ऊपर अपनी टीचर्स की एवेल्यूएशन किस तरह से कर सकती है. तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर.
तो सबसे पहले QECUF आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो नीचे रजिस्टर पे जाके सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। जैसे मैं अगर आप दीपालपुर उकाड़ा के हैं तो लगाने के बाद अपने जो ईमेल पासवर्ड AG नंबर लिखने के बाद रजिस्टर करेंगे। अगेन बैक आएंगे, यहाँ पर AG नंबर लगाएंगे और जो भी पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड लगाएंगे आप। लगाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे तो जितने कोर्सेज आप पढ़ रहे होंगे वो सारे आ जाएंगे। जैसे ये कोर्स मैंने खोला है तो ये पहला क्वेश्चन है, तो आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, आपने उसको क्लिक कर देना है जो आपको लगता है कि ज़्यादा सूटेबल है। जैसे यहाँ पर टीचर जो है वो पंक्चुअल है या नहीं, तो जो पंक्चुअल है तो उस तरह इसी तरह आपने देन स्ट्रक्चर डेमोंस्ट्रेशन नॉलेज आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं कि नहीं। देन इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन आ रहा है इसको भी, तो उसी हिसाब से आपने 5 से 6 ऑप्शन होंगे। आपने प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो आपको बेहतर लग रहा होगा आपने उसको क्लिक करना है। स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, समवॉट एग्री, डिसेबल एग्री, ये अभी जो हैं ये तकरीबन आपके कोर्स के रिलेटेड नहीं है, टीचर्स के इंस्ट्रक्टर के रिलेटेड हैं जो कि आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अब कुछ आ जाएंगे कोर्स के रिलेटेड, जैसे ये क्वेश्चंस आए हैं तो इसमें भी आपने 5 ऑप्शन में से जो ज़्यादा सूटेबल है वो क्लिक करते जाना है। और जैसे ही आप ये 19 हो गए, 19 के बाद ये 20 वाला भी हो गया, 20 वाला, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे फीडबैक, तो आपने यहाँ पर टीचर्स के लिए फीडबैक लिखना है और कोर्स के लिए कि कोर्स किस तरह का है उसके बारे में। जैसे ये टीचर्स के लिए मैं लिखूँ यहाँ पर, और ये लिखने के बाद अब मैं अगर नीचे आके कोर्स के रिलेटेड भी लिखूँगा, पहले टीचर्स का कंप्लीट कर लेते हैं। एक अच्छा सा जो आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है फीडबैक टीचर के हवाले से वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, वेरी ये सेम इसी तरह से आपने बहुत ध्यान से पीछे जितने भी 4 के 4 ऑप्शंस हैं उनको आपने फॉलो करना है। जो ज़्यादा सूटेबल आपको लग रहा है आपने उसको क्लिक करके आगे से आगे इसको पास ऑन करते जाना है। इस तरह सिंपल ऑनलाइन क्लासेस हुई थी आपकी, उसमें जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसी तरह MCQ टाइप ये है, जो कुछ कैटेगरी है जो आपकी है टीचर्स के लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए और कुछ सिलेबस के रिलेटेड। तो हल्का सा आप कमेंट कर दें यहाँ पर कोर्स के रिलेटेड, और कोर्स के रिलेटेड कमेंट करने के बाद कोई भी आप लिख लें कमेंट, जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी का लिखने के बाद। और मैं इसको अब आगे देख करता हूँ ट्राई की और क्या सोचूँ। चलें, हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग लिखने के बाद अब मैं नीचे आता हूँ और इसको मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। तो आपका फीडबैक सबमिट हो गया है, ये एक कोर्स का हुआ। इसी तरह जितने कोर्सेज कर रहे हैं आपने इनके फर्दर सबमिट करने हैं।